लाल परी का वरदान। रामदयाल फल का ठेला लगाता था। बचपन से ही उसने बहुत गरीबी देखी थी, इसलिए वो हमेशा सोचता था कि अपने परिवार को गरीबी का जीवन नहीं जीने देगा। इसलिए वो बहुत मेहनत करता था, दिन भर ठेला लगाता और रात को पहरेदारी करता था। एक दिन उसका बेटा, बापू मैं सारे फल ठेले पर सजा दूंगा, तुम थोड़ी देर जाकर सो जाओ। नहीं नहीं, तुम्हें स्कूल जाना है ना, तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो, इसीलिए तो हम इतना परिश्रम करते हैं कि तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकें। बापू मैं तो स्कूल जाने की तैयारी कर चुका हूँ और मंदिर में दर्शन भी कराया, अभी भी बहुत समय मेरे पास है, मैं ठेले को सजा देता हूँ। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वो सोने चला गया। थोड़ी देर बाद, बापू जल्दी उठो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम अपना ठेला संभालो। रामदयाल उठकर अपने ठेले के पास चला गया। अब रोज रोज ऐसे ही होता था। करीब 2 बरस बीत गए। राजू 10वीं में पढ़ने लगा था। एक दिन जब रामदयाल घर आया तो उसको बुखार था। आज मैं ठेला नहीं लगा पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बापू आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। रामदयाल सोया तो फिर उठा ही नहीं। मासूम राजू और उसकी माँ ललिता पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। किसी तरह 1 महीने बीत गए थे। एक दिन, माँ मैं अब से ठेला लगाऊंगा। नहीं बेटा, तेरे बापू की इच्छा थी कि तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। माँ आखिर मेरी पढ़ाई का खर्च कहाँ से आएगा, मैं स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आकर ठेला लगाऊंगा। सब्जी मंडी से फल भी तो लाने होंगे। माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, रात को करीम चाचा के रिक्शे से जाकर मंडी से फल ले आया करूँगा, जैसे बापू लेते थे। जब तक तेरी परीक्षाएं नहीं हो जाती, ठेला मैं लगा दिया करूँगी। तू अच्छे नंबरों से पास हो गया तो आगे भी पढ़ाई कर सकता है। अब उसी तरह से चलने लगा था। राजू की 10वीं की परीक्षा खत्म हो गई थी। एक दिन उसकी माँ ठेले के पास खड़ी थी, तभी किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। उसकी माँ गिर गई। माँ को बहुत चोट लगी थी। राजू अपनी माँ को लेकर अस्पताल गया, दवाई दिलाकर ले आया। माँ तुझे जल्दी ठीक होना पड़ेगा, बापू भी हमें छोड़कर चले गए। माँ की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कई दिन तक वो स्कूल भी नहीं जा सका, ठेला भी नहीं लगा पाया। एक दिन, बेटा अब तो ठेला लगाने की सोच ले, स्कूल भी जाना होगा वरना तेरे बापू का तुझे बड़ा आदमी बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। ठीक है माँ, कल से जाऊंगा। दूसरे दिन माँ के लिए सारी व्यवस्था करके वो पहले मंदिर गया। हे ईश्वर, मुझे पूजा करना नहीं आता, बस मैं तो आपके दर्शन करने आ जाता हूँ, आप मेरी माँ को ठीक कर दो। इसके बाद वो ठेले में सारे फल सजाकर ऊपर गीली चादर बिछाकर स्कूल जाता और आकर ठेला लगा लेता था। किसी तरह से 1 साल बीत गए। इतनी कठिनाइयों में भी उसने मंदिर जाना नहीं छोड़ा था। एक दिन जब वो भगवान के सामने बैठा था, तभी एक आदमी आया। उसने भगवान को बहुत सारी मिठाई का भोग लगाया और, प्रभु तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी सुन ली, हमारे घर में शादी के 10 साल बाद बेटा हुआ है, तुम्हारे घर में देर है अंधेर नहीं है, तुम्हारी लीला अपरंपार है। प्रभु तो सभी के सुनते हैं, शायद मुझे ही ठीक से पूजा करना नहीं आता। उस दिन राजू बहुत दुखी था। रात को जब सोया तो उसके सपने में लाल परी आई। लाल परी उसका कंधा पकड़कर उठाते हुए, राजू उठो। कौन है, कौन है? राजू मैं लाल परी हूँ, तुम्हारे मेहनत से बहुत प्रसन्न हूँ, तुमको क्या चाहिए जल्दी से बताओ। लाल परी अगर आप मुझसे खुश हैं तो बस मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगी। ठीक है राजू, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, और बताओ। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ मांग लो अपने लिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपनी माँ की बहुत सेवा करते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ और देना चाहती हूँ,
अपना हाथ आगे बढ़ाओ और ये लो, ये एक जादुई घड़ी है। इसको पहनकर तुम जहाँ जाना चाहोगे चले जाओगे, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। क्या मैं अदृश्य हो जाऊंगा? हाँ, तुम अदृश्य हो जाओगे। बस ध्यान रखना, इस घड़ी के बारे में किसी को बताना मत, वरना लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। वो कैसे? देखो, अगर किसी गलत इंसान के हाथ ये घड़ी लग गई, तो वो अदृश्य होकर सबके घरों में चोरी करेगा, हत्या करेगा, अपहरण करेगा, क्योंकि उसे कोई देख नहीं पाएगा। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा, ये भी हो सकता है। ठीक है, मैं इसके बारे में किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। पर क्या ये घड़ी मुझे आपसे भी मिलवाने ले जाएगी? हाँ, तुम्हारे चाहने पर मुझे ही आना पड़ेगा, पर तुम मुझसे क्यों मिलोगे? अगर मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो आप ही उसे ठीक कर पाएंगी ना? उसके लिए तुम घड़ी पहनकर आँख बंद करना और बोल देना, मुझे लाल परी से मिलना है। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, मैं हाजिर हो जाऊंगी। परंतु ध्यान रखना, मुझे कभी भी दिन में याद मत करना, मैं रात को ही पृथ्वी लोक पर आती हूँ। ठीक है। लाल परी जा चुकी थी। राजू की आंखों से नींद गायब हो गई थी। वो उठकर घर में आ गया। माँ की कोठरी में जाकर देखा तो वो उठकर बैठी थी। माँ, तुम क्यों बैठी हो? अरे राजू, मैं तो बहुत देर से उठकर तेरा ही इंतजार कर रही थी। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं अब चल सकती हूँ। वो उठकर खड़ी हो गई और आंगन में जाकर टहलने लगी। माँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है, कितने दिन बीत गए तुम्हें चलते हुए देखे। अब तुम ठीक हो गई हो, अब तुम अपना काम संभालो, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा। माँ ने उसे गले से लगा लिया। मैं माँ को बता दूँ कि ये लाल परी का वरदान है, जिसके वजह से वो ठीक हो गई है। पर लाल परी नाराज ना हो जाए, उन्होंने मुझसे किसी को बताने के लिए मना किया था। दूसरे दिन सुबह उठकर राजू ने ठेला लगा दिया। उसकी माँ ने घर का सारा काम संभाल लिया। कितने दिनों से तो राजू घर बाहर सब कुछ अकेले ही संभाल रहा था। आज उसने चैन की सांस ली थी। वो स्कूल जाने को तैयार हुआ तो उसने अपनी कलाई में घड़ी पहन ली। स्कूल जाना है। पलक झपकते ही वो स्कूल पहुंच गया। राजू को बड़ा अच्छा लगा। जब वो स्कूल से लौट रहा था, तभी उसने देखा कि एक सुनसान जगह पर कुछ लड़के एक लड़की को घसीट कर ले जा रहे थे। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आया, उसने घड़ी को बोला। मुझे उन लड़कों से उस लड़की को बचाना है। अचानक उसके हाथ में एक डंडा आ गया और वो उसी डंडे से उन लड़कों की पिटाई करने लगा। राजू को कोई देख नहीं सकता था, इसलिए सबको लगा कि कोई भूत या चुड़ैल है। भागो रे, ये तो कोई बला है, इस लड़की को तो हम बाद में देखेंगे। सभी लड़के सिर पर पैर रखकर भाग गए। राजू ने उस लड़की को उठाया, उसे चुप कराया और उसे घर तक छोड़कर आया। कुछ ही दिनों में राजू सबका हीरो बन गया। जब कोई लड़ाई झगड़ा होता तो वो अदृश्य होकर पहुंच जाता और दुश्मनों पर डंडे बरसाने लगता। बहुत समय बीत गया। अब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था, नौकरी करने जाना चाहता था। एक दिन, माँ, मैं चाहता हूँ सेना में भर्ती हो जाऊँ। तुम जो करना चाहते हो खुशी से करो। वो सेना में भर्ती हो गया। युद्ध के मैदान में दुश्मन के छक्के छुड़ा देता और मुस्कुराते हुए अपने सैनिकों को बचा लेता था। जिस दिन उसे मेडल मिला, आज मुझे लाल परी से मिलना है। रात का समय था, लाल परी हाजिर हो गई। राजू, तुमने कमाल कर दिया, मैं खुद तुमसे मिलना चाहती थी। तुम अपनी मेहनत से इतनी ऊंची जगह पहुंचे हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस बार राजू जब अपने घर पहुंचा तो उसका घर कोठी में बदल चुका था। घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी। उसने लालच नहीं किया, इसलिए लाल परी ने उसे माला माल कर दिया था।